और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि भारत एक और सीमा हैदर जो है वो भारत पहुंच चुकी है। जो बांग्लादेश से एक महिला है वो अब सारस्वती पहुंच चुकी है, जो कि प्यार और प्रेमी के चक्कर में अपने महबूब से मिलने के लिए एक और सीमा हैदर ने अपने दहलीज को लांग दिया है, सरहद को लांग दिया है। जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की महिला जो कि बांग्लादेश से होते हुए हिंदुस्तान पहुंची है, जिसके ऑलरेडी 3 बच्चों के साथ पहुंची हुई है, जिसको फिलहाल जो है वो पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेशी महिला जो है वो वैलिड वीजा के साथ बांग्लादेश से हिंदुस्तान पहुंचे, जिसके बाद पुलिस उससे पूछताछ की जा रही कर रही है और बताया जा रहा है कि अब जल्द ही जो है वो उसे डिपोर्ट वापस यानी कि बांग्लादेश पहुँचा दिया जाएगा। महिला का कहना है कि टिकटॉक के जरिए उन दोनों से हिंदुस्तान के लड़के से बांग्लादेश की महिला से जो है वो प्यार हो गया था दोनों के बीच। उसके बाद जो है दोनों में प्यार हुआ, प्यार के बाद दोनों में बातचीत होने लगी। चूंकि आपको पता है कि टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जिसके जरिए लोग वीडियो बनाते थे, लेकिन फिलहाल जो है टिकटॉक को हिंदुस्तान से बैन कर दिया गया है। ये उस वक्त की बात है जब टिकटॉक चलता था हिंदुस्तान में, उस वक्त दोनों के आपस के दरमियान में जो मोहब्बत हुई और उसी को लेकर जो है अब बांग्लादेशी महिला जो है वो हिंदुस्तान यानी कि यूपी पहुंच गई है, जो कि सावस्ती में जिला है वहां पहुंची है। लेकिन जैसे ही महिला बांग्लादेशी महिला अपने 3 बच्चों के साथ हिंदुस्तान पहुंची, उसके बाद कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग थे यानी कि लड़के के घर वाले थे, उन्होंने बवाल और बखेड़ा खड़ा कर दिया, जिसके बाद महिला को वापस पुलिस थाने ले जाया गया। क्या जो कुछ भी हुआ है वो वाकई में दिलचस्प है, क्योंकि सीमा हैदर का मामला जो है वो अभी रुक ही नहीं रहा था और ऐसे में अब जो है वो एक और बांग्लादेशी महिला हिंदुस्तान पहुंच गई है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो है वो दुर्गेश शुक्ला है हमारे संवाददाता, जो कि बताएंगे कि आखिर कैसे बांग्लादेशी महिला हिंदुस्तान पहुंची, कब पहुंची, क्या है पूरा मामला। दुर्गेश जी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बांग्लादेशी महिला अपने बच्चों के साथ श्रावस्ती जनपद पहुंच गई। बताया जा रहा है कि टूरिस्ट वीजा पर ये महिला श्रावस्ती जनपद पहुंची है। एक व्यक्ति श्रावस्ती जनपद का दूसरे देश में काम कर रहा था, जिसका संबंध इस महिला से टिकटॉक या ऑनलाइन जो होता है गेम होता है इसके माध्यम से महिला से संबंध हुआ। महिला प्यार में चक्कर में श्रावस्ती जनपद टूरिस्ट वीजा पर पहुंची और जब उसके जो व्यक्ति है उसकी पत्नी को ये सूचना लगा कि एक बांग्लादेशी महिला अपने बच्चों के साथ हमारे घर पर पहुंची, जिसके बाद महिला ने जो उसकी पहली पत्नी है व्यक्ति की उसने थाने पर चौकी इंचार्ज को फोन किया और थाने एसएसबी टीम उसके घर भरथा रोशनगढ़ पहुंची और जो बांग्लादेशी महिला बांग्लादेश से श्रावस्ती जनपद पहुंची थी उससे जांच पड़ताल कर सुरक्षा एजेंसियां ने जांच पड़ताल की। बताया जांच पड़ताल में पता चला कि महिला जो बांग्लादेश से टूरिस्ट वीजा पर श्रावस्ती और अन्य जगहों पर घूमने टहलने आई थी, उसका वीजा भी है और अपने बच्चों के साथ वो उसको सुरक्षा एजेंसियों ने लखनऊ वापस कर दिया है और उसका टिकट कंफर्म होते ही वो अपने देश वापस लौट जाएगी, सुरक्षा एजेंसियों का कहना। जी, ये कब पहुंची थी बांग्लादेश, कोई जानकारी ऐसी आपके पास कि ये कब पहुंची थी, कब की घटना, बांग्लादेश से हिंदुस्तान कब पहुंची थी, माफ कीजिएगा, ये कब की घटना है, कब दोनों में प्यार हुआ फिर ऐसे। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो महिला ये 26 सितंबर को कोलकाता पहुंची है और कोलकाता से लखनऊ, लखनऊ से फिर ये बहराइच से ये श्रावस्ती भरथा रोशनगढ़ ये पहुंची है और इसके बाद जब सुरक्षा एजेंसियों को पता चलता है जब सुरक्षा एजेंसी भरथा रोशनगढ़ जो प्रेमक जो व्यक्ति है उसके घर पहुंचकर और इसके महिला से जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल में पता चलता है कि इसका संबंध टिकटॉक पर हुआ था, जिसके संबंध में बातचीत हुई शादी करने को लेकर। जब महिला बांग्लादेशी महिला पहुंचती है उसकी दूसरी पत्नी को देखती है तो वो महिला बांग्लादेशी महिला कहती है कि हम नहीं रहेंगे और वो वापस अपने बच्चों के साथ सुरक्षा एजेंसियां उसको लखनऊ भेज देती है और टिकट कन्फर्म होते हुए बांग्लादेश लौट जाती है, सुरक्षा एजेंसियों का कहना है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वापस बांग्लादेश पहुंच जाती है। वाकई में ये सीमा हैदर का सिलसिला जो है अभी तक बदस्तूर जारी है। पहले सीमा हैदर, फिर एक और लड़की जो बांग्लादेश से ही पहुंची थी और अब ये दूसरी, क्या लग रहा है कब तक रुकेगा ये सब, और वो भी यूपी पहुंच रहे हैं सबसे बड़ी बात।
जी बिल्कुल, इस पर कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों और जो बॉर्डर पर तैनात जो जवान हैं इनको भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन कहाँ आ जा रहा है। लेकिन बड़ी बात ये हो जाती है जो कोई भी या कोई देश से आता है उसके पास कोई ना कोई टूरिस्ट वीजा या कोई भी वीजा होता है जिसके माध्यम से महिलाएं या कोई भी आ जा सकता है, जिस पर रोक भी लगाया नहीं जा सकता क्योंकि टूरिस्ट वीजा भी होता है, उस पर कई नियम कानून होते हैं जिस पर लेकर ये लोग अपने यूपी या अन्य देशों में अंदर चले जाते हैं और ये लोग प्रेम के माध्यम से अपना रुकना भी चाहते हैं। जैसे ही कई मामले भी सीमा आयदर और जो दो तीन मामले ऐसे भी आए थे टूरिस्ट वीजा पर लोग यहाँ वहाँ गए, इसके बाद में ये भी सामने मामला आया जिसमें सुरक्षा से तत्परता दिखाते हुए महिला को उसके उसको वापस कर दिया है। वाकई में दुर्गेश जी कहीं ना कहीं ये सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल उठते हैं। जरा लोगों को बताएं कि आखिर जरा लोगों को बताएं कि आखिर ये परिवार के लोगों का क्या कहना था, क्योंकि खबरें तो ये आ रही कि परिवार के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था। जी बिल्कुल, आपको बता दें एक बांग्लादेशी महिला जब उसके घर पहुंचती है और जब वो परिवार वाले जब उसकी पत्नी और जो पहली जो पत्नी है और जो लड़के हैं और उसके मायके वाले जो विरोध करते हैं, विरोध करने के बाद जो व्यक्ति है वो भी विरोध करता है, कहता है कि हमारा संबंध आपसे था और ये आप यहाँ आ गए, जिसके संबंध में वो भी महिला जो बांग्लादेशी है महिला वो भी विरोध करती है कि आपने हमको धोखा दिया, आपने बताया नहीं कि हमारी शादी हो गई है। इस संबंध में वो महिला भी जो बांग्लादेशी महिला है और अपने बच्चों के साथ जो सरस्वती आई थी वो भी नाराज होकर जो प्रेमी था उससे भी नाराज होकर वो वापस लौट जाती है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं क्या ये हिंदुस्तानी युवक क्या बांग्लादेश में काम करने गया था, घूमने गया था, क्या है पूरा माजरा जरा दर्शक जानना चाहेंगे, वाकई में दिलचस्प कहानी है बड़ी। जी बिल्कुल, आपको बता दें ये जो व्यक्ति है ये कहीं अन्य देश में काम कर रहा था जिसके चलते इसका संबंध टिकटॉक पर हुआ था और जो बांग्लादेशी महिला है बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी जो महिला आई थी उसका पति कोरोना काल में इस पार हो गया था, जिसके संबंध ये जो प्रेमिका जो प्रेमी है इनका संबंध साथ में जो काम कर रहा था व्यक्ति उसके साथ उनके पति जिसकी मौत हो गई थी साथ में काम कर रहा था जिसके संबंध में इसका संबंध हुआ था, इसके चलते ये महिला कांटेक्ट में आई टिकटॉक के माध्यम में जिसके चलते ये सरावस्ती जनपद पहुंची। वाकई में सरस्वती जनपद पहुंची। कहीं ना कहीं लगता है कि ये प्यार का गेम जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के गेम से भारी पड़ रहा है और यही वजह कि जो सोचिए उन बच्चों के बारे में क्या उनके दिलों पर गुजरता होगा कि अपने घर बार को छोड़कर वो बांग्लादेश से हिंदुस्तान आ गए और फिर हिंदुस्तान से अब उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं वाकई में बहुत दिलचस्प घटना है जो कि फिलहाल सरस्वती से आई है और देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेशी महिला पहुंची हिंदुस्तान पहुंची और अब जो है चूंकि घर वालों ने इसका विरोध किया, जमकर विरोध किया, उसके बाद उसे वापस जो है अब जाना पड़ रहा है क्योंकि लगातार जो है लोग इस पर सवाल उठा रहे थे, लोगों घर वालों ने भी इसका विरोध किया था, उसके बाद अब लोग जो है इस पर नाराजगी भी जताई थी, पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद अब जो है उन्हें गिरफ्तार तो नहीं कहेंगे चूंकि वैलिड वीजा पर आई थी तो पूछताछ की, उसके बाद लगा कि शायद अब उन्हें वापस जाना चाहिए तो उन्हें जो है वापस भेज दिया गया है। वाकई में ये सीमा हैदर जैसी घटना जो कि सीमा हैदर और बांग्लादेश से एक और महिला आई थी सोनिया अख्तर, उसके बाद अब एक और ये महिला जो कि अब अपने तीन बच्चों के साथ जो है हिंदुस्तान पहुंची क्योंकि इनका भी प्यार जो है कुछ ऐसा ही टिकटॉक के साथ हुआ, जो कि इससे पहले सीमा हैदर का प्यार जो है वो हुआ था एक ऑनलाइन गेम के जरिए ही प्यार हुआ था सीमा हैदर को भी, जो कि फिलहाल जो है सचिन के घर पर अभी जो है वो रुकी हुई हैं। लेकिन सोनिया अख्तर जो है वो भी बांग्लादेश से आई थी और उनका प्यार जो ये था कि एक केमिकल फैक्ट्री में वो दोनों काम करते थे और उस दौरान जो है उनका हिंदुस्तानी युवक से अटैचमेंट बढ़ा था, उसके बाद जो वो अपने बच्चों को लेकर सोनिया अख्तर भी बांग्लादेश से हिंदुस्तान आई थी। लेकिन अब जो है वो एक और यही बड़ी खबर है कि जो टिकटॉक के जरिए इस बांग्लादेशी महिला को प्यार हुआ हिंदुस्तानी लड़के के साथ, उसके बाद अपने तीन बच्चों के साथ जो है वो हिंदुस्तान पहुंच गई और अब जो है उन्हें समझाकर बुझाकर उन्हें वापस फिलहाल भेजने की तैयारी है, उन्हें भेजा जा रहा है क्योंकि पुलिस का कहना है कि ये जो बांग्लादेशी महिला है वो अपने वैलिड वीज़ा के साथ आई थी, अपने बच्चों का उनके साथ जो भी दस्तावेज होने चाहिए उन दस्तावेजों के साथ आई थी, उसके बाद अब जो है उन्हें वापस भेजा जा रहा है। वाकई में ये बहुत बड़ी खबर है लेकिन फिलहाल यही है कि अब जो है उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है। ये वाकई में बहुत बड़ी खबर हमारे बीच कि सीमा हैदर जैसी एक और कहानी लगातार देखने को मिल रही है। इससे पहले भी मुरादाबाद की एक
महिला थी, लड़की थी, नाबालिग लड़की थी, जिसने दावा किया था कि उसका भी घर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान में है, जो कि अपने घर जो है वो कराची बता रही थी, जिस लेकिन वो जो है केस आगे जाकर कहीं ना कहीं मेरठ की निकली, और उस केस का जो है अब यही है कि वो महिला को उस लड़की को जो है उसे थोड़ा मानसिक संतुलन ठीक नहीं बताया जाता था। लेकिन ये तीन केस जो है, सीमा हैदर, सोनिया अख्तर और अब ये महिला जो है, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, जो कि प्यार के लिए अपने सरहद को लांघ कर इस पार आ जाती हैं, बिना सोचे बिना समझे अपने घर परिवार को लेकर, बिना कुछ देखते हुए अपने बच्चों को लेकर, जो कि अब बच्चे हैं, इनके तीन बच्चे बताए जा रहे हैं, जब ये यहाँ पहुँची, श्रावस्ती जिला पहुँची, उसके बाद इसका जो है प्रेमी जो है उसके घर वालों के साथ बहुत देर तक बहसबाजी हुई, उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने मामले को हैंडल किया, उसके बाद उनसे जो है महिला से, बांग्लादेशी महिला से जो है वो बातचीत की गई, उसके बाद उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया जो है अब लगातार की जा रही है, किस जिस तरीके से जो है उन्हें वापस भेजा जा रहा है, ये वाकई में दिलचस्प है। लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे सुरक्षा एजेंसियों को, चूक तो नहीं कहेंगे, लेकिन कैसे आखिर सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में थोड़ा सा धूल झोंक कर जो है वो बांग्लादेश से हिंदुस्तान में दाखिल हो जाती है, हालांकि वैध वीजा के साथ आई थी, और यही वजह है कि इस पर जो है किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन अब जो है यही, अब जो है यही बड़ी खबर है कि महिला को जो है वो वापस भेजा जा रहा है। वाकई में दोनों का टिकटॉक में प्यार होता है, टिकटॉक वो ऐप जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले टिकटॉक का क्रेज़ कैसा था, कैसे लोगों के बीच टिकटॉक जो है वो फेमस हुआ था, वो सबको पता है। हर बंदा जो है टिकटॉक पर एक्टिव था, लोग देखते थे टिकटॉक को, लोग जो है वो वीडियो बनाते थे, और उस मामले पर भी आप कहीं ना कहीं बांग्लादेशी महिला को जो है फिलहाल हिंदुस्तान भेजने की पूरी तैयारी है।